हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे PMSSV छात्रवृत्ति के लिए, जो आपके पेपर्स होते हैं और ये पेपर आपको जो भी होंगे वो सब कंप्यूटर बेस्ड होंगे, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट निकलता है, आंसर की आती है, उस दिन आप लोग इन्हें मिला सकते हो। जो भी आप क्वेश्चन दिए रहते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो सब मालूम हो जाता है। तो हम देखते हैं 2022 में जो पहली बार पेपर हुआ था उसमें GS के जो 20 प्रश्न आए थे वो कैसे आए थे, उनको मैंने विधिवत लिख करके आपको समझाया और उनके आंसर भी मैंने लिखे हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर था अहमदाबाद। इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इसे जरूर याद करिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए। सूची एक और सूची दो, सूची ए में पहला क्वेश्चन था, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन सूची वाले मिलेंगे, यानी इसमें एक क्वेश्चन होकर के कई क्वेश्चनों का मिश्रण रहेगा, कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे लंबा समुद्र तट किसका है और सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो इसके जो आंसर दिए हैं, थार, सियाचिन, हीराकुंड और मरीना। तो यहाँ पर ए यानी सबसे बड़ा हिमनद जो है वो आपका सियाचिन है, सबसे जो बड़ा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है, और जो सी था सबसे लंबा समुद्र तट, तो ये आपका ये जो सबसे लंबा समुद्र तट ये आएगा मरीना, और सबसे बड़ा रेगिस्तान वो आ जाएगा थार। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न था, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का आठवां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो यह है बच्चों टेहरी बांध। अगला प्रश्न था, किस राज्य में कोणार्क मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, यानी ओडिशा जिसे अब कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न COVID-19 से आया था, निम्नलिखित में से कौन सा COVID-19 टीका नहीं है। तो कोवैक्सीन तो है ही, कोविशील्ड भी लग रही थी और ये कॉर्बोवैक्स भी था, लेकिन ये COV-2 नहीं था। तो यहाँ से दूसरा वाला आप ऑप्शन अलग कर लेंगे। छठा देखिए आपके लिए, सूची के लिए, सूची एक में देश दिए गए हैं, सूची दो में राजधानियाँ दी गई हैं, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, आपको पता होना चाहिए। चीन की राजधानी बीजिंग है, लगा लेंगे। बांग्लादेश की ढाका है और श्रीलंका की कोलंबो है। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पर जो है मिलान करना था, इसलिए आप देश और राजधानियाँ जरूर रटिएगा। अगला प्रश्न था, भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये थी मदर टेरेसा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी कौन थे। तो ये हैं आर्यभट्ट, इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था, एथलीट में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो बच्चों ये बुध आप मालूम भी होगा और आप ग्रहों के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, कभी न कभी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया का मंच यानी प्लेटफॉर्म नहीं है। फेसबुक पर देखिए हम चैटिंग करते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ऐप पर भी करते हैं। फ्लिपकार्ट ये एक खरीदारी की वेबसाइट है, यानी इससे हम परचेज करते हैं, ये कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है जिस पर आप चैटिंग
का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से जनवरी 1982 को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत हुई, जिसका नाम है पैलेस ऑन व्हील। बहुत महंगी रेल है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे होटल्स, मतलब मैं क्या बताऊं, इसको आप एक बार सर्च करके डालेंगे तो ये भी एक क्वेश्चन आपको, मतलब इसमें कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये थे अमर्त्य सेन। बच्चों अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आपने देखा होगा सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन कोई भी नदी आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई नजर नहीं आएगी। तो यहां पर पूछ रहा पूर्व से पश्चिम की ओर गंगा नहीं है, पुनपुन नहीं है, यमुना नहीं है, नर्मदा नदी ये उल्टी दिशा में बहती है, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। आप लोग इसे जरूर लगा लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसके कितने भाग हैं, इसकी कौन सी भाषा है, इसके कितने स्थायी सदस्य हैं, आप इन्हें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव यानी कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती यानी हड्डियां पूछी जा रही हैं। तो जो मानव है उसमें हड्डियों की संख्या बच्चों होती है 206, जबकि जो बालक होता है उसमें 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। इसलिए मानव शरीर के बारे में भी पढ़ेंगे, ये आपको साइंस में भी प्रश्न मिलेंगे और आपको जो जीएस का पेपर होगा जनरल उसमें भी मिलेगा। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर एक में पुस्तकें दी गई हैं, दूसरे में उनके लेखक दिए गए हैं और ये सारी पुस्तकें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके बारे में आपको और ढेर सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जिससे आप इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। जैसे पहला दिया है हैमलेट, तो हैमलेट किसका है, ये विलियम शेक्सपियर का है। हैरी पॉटर बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये जेके रोलिंग की है। माल गुडी डेज ये किसकी रचना है, ये आर के नारायणन की है। और अगला है माई म्यूजिक माई लाइफ, पंडित रवि शंकर। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें हमें याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व और हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें शर्करा स्टार्च फाइबर शामिल है, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, लिपिड्स क्या है और खनिज लवण क्या है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की, पाणिनि ने की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको ढेर सारे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है। तो वहाँ पर ऑप्शन था पंचायती राज व्यवस्था, ठीक आपको ऐसे याद रखना, जो नगर होता है वहाँ नगर पंचायत अभी चुनाव हुए हैं, इससे पहले 2 साल पहले आपके जो है आपके गांव में ग्राम प्रधानी के चुनाव हुए थे, जिसको हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपने यहाँ पर देखा बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको संविधान से भी मिलेंगे, साइंस से भी मिलेंगे, भूगोल से भी मिलेंगे, लेखक से भी मिलेंगे। तो कुल मिला के बायो के भी हो सकते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, इन सब से खिलाड़ियों से भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए जीएस का कोई दायरा फिक्स नहीं होता, लेकिन जो भी जनरल प्रश्न हैं उनके तो आंसर आने ही चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं थे, लेकिन
हाँ आपके स्तर से कठिन हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से मेरे साथ शुरू करिए। 100% आप ये परीक्षा निकालेंगे और 75 और 1,25,000 का स्कलर आपका होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।